अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो वेलकम बैक एक बार फिर से। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इजी सा नेल आर्ट का ट्यूटोरियल, जो कि है बिल्कुल जस्ट विद नेल पेंट और टूथपिक के साथ। इसके अलावा हमें कोई टूल यूज नहीं करना। सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ जी कॉस्मिक गर्ल का, ये शेड है, देख सकते हैं आप। नेल पेंट बहुत ही खूबसूरत सी नेल पेंट है। ये हमें अप्लाई करना है अपनी सारी फिंगर्स पर, ठीक है। ये हमें फर्स्ट थिंग है जो हमें कर लेनी है। और ठीक है, तो आपने मेरे साथ बस फॉलो करते जाना है ऑल दी स्टेप्स। तो आपने बस कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अपनी जो नेल पेंट है उसको कोट कर लीजिए, ठीक है। और ये बहुत ही नेचुरल सा देखिए शेड है, बहुत ही खूबसूरत सा शेड है। ऐसे जो कलर्स हैं इन पर जब हम नेल आर्ट बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सही है। तो आपने ये जरूर, अगर आपके पास इस तरह के नहीं भी कलर है तो टेंशन नहीं लेनी आपने। आप कोई सा भी लाइट शेड अगर आपके पास मौजूद है, जैसे कि व्हाइट है या फिर कोई भी कलर, यानी कि लाइट एंड डार्क का हमें कॉम्बिनेशन करना है, तो आप वो भी ले सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से बाकी नेल्स पर भी देखिए कितना ही खूबसूरत सा जो है ना मेरा नेल पेंट है। और अब मैं बाकी नेल्स पर भी ये लगाऊंगी जी फ्रेंड्स। तो नेल पेंट मैंने लगा ली है और अभी मैंने ड्राई भी कर लिया है, ठीक है। ड्राई होने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें करना है कि हमें या तो लेनी है एक कलर, आपने चूज कर लेना या तो ब्लू कलर या फिर पर्पल कलर, चॉइस इज योर्स, ठीक है। और इसके अलावा हमें एक चाहिए है गोल्डन नेल पेंट, ठीक है। कोई सी भी आप ग्लिटर वाली ले लो अगर आपके पास है तो। और अब इसके साथ हमें डिजाइन बनाना है, और साथ में जो हमें चाहिए वो एक टूथपिक होगी, ठीक है। एक टूथपिक की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये जब ड्राई हो जाएगा हमारा बेस कोड, तो उसके ऊपर अब हमें लगाना है। एक साइड पे हमें लगाना है एक कलरफुल शेड और एक पे साइड पे गोल्डन, ठीक है। वो मैं आपको भी लगा के दिखाती हूँ जी। इन शेड्स की हमें बहुत एक थिन सी लाइन ही लगानी है, बहुत ज्यादा मोटी लाइन नहीं लगानी। एक बिल्कुल साइड पर हमें, जब ये ड्राई हो जाएगी हमारा बेस कोड, तो हमें यहाँ पर इस तरह से ब्लू ले रही हूँ, ठीक है। आप पर्पल के साथ या कोई भी कलर आपके पास है और कोई भी इसके साथ भी कर सकती है। ये आपने एक बिल्कुल थिन सी लाइन यहाँ ड्रॉ कर देनी है, सही है। ये देखें, ठीक है, ये ड्रॉ हो गई। इसी तरह से अब हमें गोल्डन लाइन भी इसके साथ ही ड्रॉ करनी है जी। तो अब मैं ले रही हूँ गोल्डन नेल पेंट और इसकी भी एक जो लाइन है वाइप करके ब्रश को, और इसके साथ साथ यहाँ पर उसके ऊपर नहीं लगाना, उसे थोड़ा थोड़ा सा हटके लगाना है। ये लगा दिया, ठीक है, ये दोनों लगा दी। अब मैंने ले ली वो टूथपिक जो थी हमारी, है ना, उसको इसके साथ। अब देखो मैंने यहां से पहले ड्रैग करना है इसको इस तरह से, आहिस्ता आहिस्ता से, फिर थोड़े से फासले से आहिस्ता आहिस्ता से करना है ट्रैक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से, ठीक है, और फिर नेक्स्ट से और फिर नेक्स्ट से। तो ये देखो ये हमारा कितना प्यारा सा डिजाइन जो है वो बन गया, ठीक है। इस तरह से भी हम इसी तरह से हमें नेक्स्ट नेल्स को भी इस तरह से लगाना है। ये अच्छा ख्याल आपने रखना है कि ये जो हमारा बेस कोड है ना ये अच्छे से ड्राई हो चुका हो, क्योंकि अब थोड़ी सी सर्दी है, विंटर्स में थोड़ा सा नेल पेंट जो है ना वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता। इस वजह से हमें बस इस चीज का सिर्फ ख्याल रखना है, क्योंकि फिर नहीं तो एक लाइन सी और ही ड्रा हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं है, डिजाइन मैंने आपको बताना था एक अंदाज, मतलब किस तरह से बनाना था। ये देखिये मैंने बनाया इसका डिजाइन, लाइन लगाई, इसके बाद फिर से मैंने लगाई गोल्डन की। ये बहुत ही इजी सा देखो नेल आर्ट है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से। बहुत ज्यादा ड्रैग भी नहीं करना आपने कि बहुत ज्यादा कर लेना, नहीं, आपने थोड़ा हल्के हाथ हल्का खोला रखना अपना, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर इन दोनों के सेंटर, इन्हीं दोनों को हमने, कि देखो कितना प्यारा डिजाइन बन गया नेक्स्ट नेल का भी, है ना। नेक्स्ट नेल भी मूव करते हैं। ये देखिए एक बार फिर से मैं आपके सामने बना रही हूँ, ताकि आपको जो बिगिनर्स वगैरह हैं उनको समझने में आसानी हो। आपको बस सिर्फ इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर जो है ना इसको इस तरह से डिजाइन दे देना है, ठीक है। ए बना दें या जो भी शेप बनाना चाहें। और ये देखिए बहुत ही हसीन किस्म का हमारा जो ना नेल आर्ट ट्यूटोरियल बन रहा है ना जी फ्रेंड्स। अब मैं लास्ट थंब वाला मैंने कहा दोबारा से मैं आपको करके दिखा दूँ। ये देखो इस तरह से मैं फिर कर रही हूँ एक बार से, ठीक है, ताकि आप जो बिगिनर्स जिन्होंने अभी वीडियो पॉज करके देखी होगी उनको भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, ये डिजाइन ऐसे देखो कितना प्यारा हसीन बन गया डिजाइन, है ना, कितना इजी था। और जब हम खुद से बनाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और आप कलर्स जो है वो अपनी मर्जी के साथ एज यूजुअल आप काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी बहुत ही जबरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।